हेलो बच्चों, कैसे आप सब। 10 मार्च को जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फिजिक्स का। ओके, देखो पहला क्वेश्चन आपको पूछा था, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इफ 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर। हमें लीस्ट काउंट पूछा है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बेटा क्या है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर। लिस्ट काउंट ये फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमें डेटा दिया है मेन स्केल का, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, बराबर। और हमें दूसरा यहाँ पे कहा है, दूसरे स्टेटमेंट में 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब 20 VSD कोइंसाइड विद 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब के ये 20 VSD किसके बराबर है, 18 MSD के बराबर है। ओके, तो इसके ऊपर से हमें VSD मिलेगा 18/20 और मेन स्केल डिवीजन था 0.1 सेंटीमीटर का। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा कुछ 0.9 × 0.1, मतलब 0.09 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमारा लिस्ट काउंट अभी क्या मिलेगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल, मेन स्केल डिवीजन ये रहा 0.1 और वर्नियर स्केल डिवीजन 0.09। तो 0.1 − 0.09 आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हमें दो क्वांटिटी ए और बी दी है और आपको ये पी क्वांटिटी फाइंड करनी है। ओके, तो अभी रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए तो जो ऑपरेशन दिया है वही करना है। ओके, तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी रेस टू 4। तो ए की रियल वैल्यू क्या है, 4, और बी की क्या है, 1, और उसका पावर 4, तो ये आएगा 5। मतलब पी की रियल वैल्यू 5 आई, मतलब ये सब में 5 तो है ही, मेन तो हमें देखना है एरर। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको इक्वेशन दिया है ना, पी इक्वल्स टू ए प्लस बी रेस टू 4, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है ये तीनों क्वांटिटीज में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन है तो हम डायरेक्ट मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हम रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे एक ही एरर क्या है, 0.01। अगर ये इक्वेशन से हमें सबकी एरर निकालनी है तो ऐसा कुछ करेंगे, पी की एरर, ए की एरर, और यहाँ पे पावर 4 है ना, तो डिफरेंशिएशन के बाद ये 4 पावर आगे आ जाएगा, बराबर। और अभी ये पी की एरर हमें मिलेगी, ए की एरर क्या है, 0.01, फिर बी की एरर क्या है, 0.02, बराबर। तो ये 0.01 प्लस 0.08 मतलब 0.09, ये मिल गई हमें एरर। तो रियल वैल्यू होनी चाहिए 5 और एरर होनी चाहिए 0.09, ऐसा कौन सा एक ही ऑप्शन है, ये फोर्थ वाला, बराबर। तो ये फोर्थ वाला करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन, F इज इक्वल्स टू ए वी प्लस बी टी बाई सी प्लस एल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो कहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन ऑफ ए और बी
दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ए और बी दोनों के डायमेंशन फाइंड करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू ए वी प्लस बी टी बाय सी प्लस एल, ऐसा एक इक्वेशन दिया है। अभी बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम। जितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, तीन टर्म्स है, तो तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, तो ये तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होगा एम वन एल वन टी माइनस टू, तो सेम डायमेंशन ए वी का भी होना चाहिए, और ये बी टी बाई सी प्लस एल का भी डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू होना चाहिए। ओके चलो, अभी ए का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो वी का डायमेंशन यहाँ पे ले लेते हैं। वी का डायमेंशन एल वन टी माइनस वन होगा, फिर ये बी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, टी का डायमेंशन टी, और ये एल का डायमेंशन एल। देखो सी प्लस एल का डायमेंशन, जो डायमेंशन एल का होगा वही होगा। ओके, लेंथ में लेंथ ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। मतलब देखो ये लेंथ है तो ये वाली भी लेंथ ही होनी चाहिए, लेंथ में कभी स्पीड ऐड नहीं होती है, लेंथ में कभी टाइम ऐड नहीं होता है। ओके, तो एम वन एल वन टी माइनस टू, तो यहाँ पे हमें ए का डायमेंशन मिल रहा है एम वन एल माइनस वन, और बी का डायमेंशन मिल रहा है एम वन एल टू टी माइनस थ्री, बराबर। तो अभी देखो ये ए और बी दोनों का डायमेंशन हमें मिल गया है, तो फिर ये रेशियो निकाल लेते हैं। ए का है एम वन एल माइनस वन, बी का है एम वन एल टू टी माइनस थ्री, बराबर। तो क्या आएगा, देखो ये एम वाला तो कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे ये एल टू हम ऊपर ले, हाँ यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ की है हमने। देखो ये एल वन, यहाँ पे एम का डायमेंशन रहेगा, ये एल वन कैंसिल हो रहा है। ओके, इसलिए एल वाला कुछ नहीं रहेगा, और टी का डायमेंशन माइनस वन है, ये गड़बड़ हो गई थी। एम वन टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एम वन एल टू टी माइनस थ्री। ओके, तो ये एम वाला कैंसिल, एल टू ऊपर ले लो माइनस टू, और टी माइनस थ्री ऊपर ले तो प्लस थ्री, प्लस थ्री माइनस वन मतलब टू। ओके, तो अभी ये वाला डायमेंशन, ये चार ऑप्शन दिए उसमें किसके साथ मैच हो रहा है, डायमेंशन ऑफ स्पीड वो तो एल वन टी माइनस वन होता है तो रॉन्ग है, और डायमेंशन ऑफ वन अपॉन स्पीड का स्क्वायर, हाँ तो वो बराबर है। ओके, वन अपॉन स्पीड का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो स्पीड का होता है एल वन टी माइनस वन, और उसका हम स्क्वायर करें तो नीचे आएगा एल टू टी माइनस टू, ऊपर आया तो एल माइनस टू टी टू, बराबर ये आ रहा है, इसलिए थर्ड का आंसर होगा सेकंड। चलो अभी यहाँ पे एक फिगर हमें दी है, बराबर, और पूछा है कि ये चारों में से कौन से करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे है ना, ये एडिशन का रूल आपको पता होना चाहिए, वेक्टर सी और ये वाला वेक्टर कौन सा है, आर पी, सी और आर पी दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें ये ए वेक्टर मिल रहा है, बराबर। वेक्टर एडिशन का रूल, मान लो कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो फिर ये वाला क्या आएगा, ए प्लस बी, वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल मेथड, बराबर। तो यहाँ पे सी प्लस आर पी क्या मिला हमें, ए, फिर
यही सी और आर क्यू क्या मिलेगा? बी सी प्लस आर क्यू क्या मिलेगा? तो बी। अगर ये दोनों को हम ऐड कर दे दोनों को, तो सी प्लस सी मतलब क्या? 2c। फिर आर पी प्लस आर क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी। अभी ये आर पी प्लस आर क्यू क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट है आर। ओके, तो ये दोनों लेंथ तो सेम ही होगी कि नहीं? आर मिड पॉइंट होगी, आर मिड पॉइंट है तो वो पी क्यू का आधा पार्ट है, बराबर। तो ये दोनों पार्ट सेम हो गए, मतलब ये आर पी और आर क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा? जीरो होगा, बराबर। तो 2c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? a प्लस बी। क्यों? क्योंकि आर पी ऐसे हैं, ये वाला आर पी और दूसरा वेक्टर ऐसे है, कौन सा है? आर क्यू। दोनों की लेंथ सेम है क्योंकि आर मिड पॉइंट है। ओके, तो ये हमारा आंसर ऐसा कुछ होना चाहिए, कौन सा है? पहले वाला, बराबर। चलो नेक्स्ट। अभी व्हाइल सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच 20 मीटर अबाउ द ग्राउंड यू ड्रॉप अ चेस्ट नट। ओके, पेड़ की एक ब्रांच है 20 मीटर अबाउ द ग्राउंड, वहाँ पे हम खड़े बैठे हैं और एक चेस्ट नट, कोई चेस्ट नट हम नीचे डाल रहे हैं, बराबर, अक्रूट। व्हेन द चेस्टनट हैज फॉलन 5 मीटर यू थ्रोस अ सेकंड चेस्टनट स्ट्रेट डाउन। जब एक चेस्टनट 5 मीटर नीचे गिरी, वही टाइम पे हमने दूसरी चेस्टनट फेंकी, बराबर। व्हाट इनिशियल स्पीड मस्ट यू गिव द सेकंड चेस्टनट इफ दे आर बोथ टू रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो दूसरी चेस्टनट हम कितनी स्पीड से नीचे फेंके जिससे दोनों चेस्टनट, पहली और दूसरी दोनों एक साथ ग्राउंड पे गिरे, बराबर। तो अभी ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? देखो मुझे डायरेक्ट पता चल गया और आपको भी ये याद रखना है कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 5 मीटर। पहली सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 5 मीटर। और दूसरी सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 15 मीटर, बराबर। तीसरी सेकेंड में 45 मीटर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चेस्टनट तुमने फेंकी, जब वो 5 मीटर नीचे गई तब दूसरी फेंकी, और दूसरी को कोई इनिशियल स्पीड से फेंका है, तो वो इनिशियल स्पीड क्या होगी जब ये दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो देखो मान लो कि ये हाइट से हमने एक नट छोड़ी, मान लो कि ये पहली नट की बात है, बराबर। तब टाइम क्या था? 0। और 5 मीटर नीचे आई, कितनी? 5 मीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर नीचे कब आएगा? 1 सेकेंड में, बराबर। और अगर आपको ये फाइंड करना है ये वाला टाइम, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 5, इनिशियल स्पीड 0 है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू क्या है? 5। यू की वैल्यू 0, हाफ ए, ए क्या लेना है? 10 इंटू टी स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया 5, 5 5 कैंसल, टी की वैल्यू मिलेगी 1। ओके, तो पहली चेस्टनट को 5 मीटर पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड, बराबर। वही टाइम पे 1 सेकेंड पे ही दूसरी चेस्टनट, सेकेंड चेस्टनट
कौन सा टाइम है अभी? 1 सेकेंड। हमने नीचे फेंकी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता नहीं है क्या वेलोसिटी, लेकिन कोई वेलोसिटी से हमने नीचे फेंका है। तो अभी ये दोनों चेस्टनट, ये पहले वाली और दूसरे वाली, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो अभी इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये पहले वाली को? तो पहले वाली को नीचे गिरने के लिए टाइम लगेगा रूट 2h/g, बराबर। तो 2h की वैल्यू क्या है? 20/g, g की वैल्यू 10, मतलब ये टाइम मिला हमें 2 सेकेंड। तो पहले वाली को नीचे पहुंचने में लगता है 2 सेकेंड, तो दूसरी वाली को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? दूसरी की बात करें, इसको कितना टाइम लगा होगा? देखो, फर्स्ट को जब हमने नीचे छोड़ा है, उसके कितने टाइम के बाद दूसरा छोड़ा है? 1 सेकेंड के बाद। और फर्स्ट को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। तो इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? दोनों एक साथ नीचे पहुंच रहे हैं, 1 सेकेंड, बराबर। इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, और इसको टाइम कितना लगेगा? तो इसको फेंका था हमने कब? 1 सेकेंड के बाद, और दोनों साथ में ही गिर रहे हैं, तो दोनों का, इसका टाइम क्या होगा? तो दूसरे वाले का, तो जो टाइम इसका है उसमें से ये जो टाइम पे इसको छोड़ा है वो माइनस करेंगे, 2 - 1, मतलब इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड, बराबर। तो अभी यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला s = ut + ½ at² और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये सेकेंड चेस्टनट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 20 20। u हमें फाइंड करना है, t की वैल्यू 1 लेनी है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी का होगा, बराबर। तो ये हो गया 5, और 5 ये साइड गया, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 ये साइड ले जाओ तो 20 - 5 = 15 15 m/s, ये हमारा आंसर। ओके, क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये ग्राफ में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चेक करना है। चलो पहला क्या बोल रहे हैं? स्पीड एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है? 1.2 m/s, 1.2 m/s थोड़ी है, 1 सेकेंड पे तो स्पीड क्या है यहाँ पे? 2 m/s, तो ये वाला तो गलत है। फिर दूसरा, एक्सेलरेशन इज 2 m/s². अभी एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी? 1 से 2 हुई, मतलब चेंज कितना आया? ये हो गया चेंज 2 - 1 1, और ये चेंज होने में कितना टाइम लगा? तो 0 से 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का टाइम लगा है, तो 1। एक्सेलरेशन क्या आएगा? 1 m/s², 2 नहीं है 1 है, मतलब ये भी गलत। चलो, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड इज 1.5 m/s, हमें अभी फाइंड करनी है थर्ड ऑप्शन में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, ये जो ग्राफ है ना वो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका एरिया, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया हमें क्या देगा? तो डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रखो, वरना कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ut + ½ at², जो भी आपको ठीक लगे, बराबर। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? तो देखो, ये इतना पार्ट है ना वो रेक्टेंगल जैसा है, ये साइड 1 और ये साइड भी 1, 1 × 1, तो इसका एरिया आया 1, और ये ऊपर का पार्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस, बेस क्या है 1 × हाइट, हाइट भी क्या है 1,
मतलब ये हो गया 0.5, ओके। एक एरिया हो गया 1, दूसरा 0.5, तो टोटल हो गया कितना 1.5 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है तो 1 सेकेंड। तो अभी एवरेज स्पीड क्या आएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ओके। चलो नेक्स्ट। अ कार ए मूव्स ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ए कार ऐसे नॉर्थ के तरफ जा रही है, बराबर। ए कार ऐसे नॉर्थ तरफ जा रही है और कितनी स्पीड से जा रही है, तो ए कार की स्पीड हमें कही है 40 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाइल अनदर कार बी मूव्स ड्यू ईस्ट, दूसरी कार जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से जा रही है, 30, ओके। तो हमें वी बी दिया है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार ए। वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू ए ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है आपको, तो उसके लिए दोनों के हेड को ज्वाइन करेंगे और बी में से ए माइनस कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर है उसका हेड कहाँ पे आएगा, बी के तरफ आएगा, बराबर। तो ये वाला जो वेक्टर मिला वो है वी बी ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो 90 डिग्री है ना, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अभी ये जो रिलेटिव स्पीड है उसकी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट x² + y², बराबर के नहीं, दोनों जो साइड है उसका स्क्वायर का एडिशन और उसका रूट, तो 30, 40, और ये डायरेक्ट आ जाएगा 50, बराबर। 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 50 किलोमीटर पर आर, ओके। और ये वाला एंगल क्या होगा, मान लो कि इसको मैं थीटा बोल दूँ, तो 10 थीटा क्या मिलेगा मुझे, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है तो 30, और एडजेसेंट साइड क्या है 40, मतलब 3/4। तो थीटा क्या मिलेगा हमें, 10 इनवर्स 3/4, ये हो गया एंगल। और बच्चों ये कौन सी डायरेक्शन हुई, तो ये डायरेक्शन हुई ईस्ट ऑफ साउथ, बराबर क्या नहीं। ये डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट, और नीचे क्या, तो साउथ। तो ये कौन सी, ईस्ट ऑफ साउथ, बराबर। अगर ये एंगल है तो ईस्ट ऑफ साउथ, तो ईस्ट ऑफ साउथ, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कौन सा है इसमें, देखो मैग्नीट्यूड होना चाहिए 50 और 10 इनवर्स 3/4, बराबर। तो ये फोर्थ वाला है वो करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट। बॉय कैन थ्रो स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, u² / 2g, बराबर। वो कितना है, 10 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, मैक्सिमम रेंज होगी u² / g, बराबर। तो इसके ऊपर से आपको u² / g क्या मिलेगा, 2 को ये साइड ले जाओ 20 मीटर, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 मीटर। और आपको ये याद ही रखना है, अगर कोई चीज़ आप मैक्सिमम 10 मीटर ऊपर फेंक सके तो वही चीज़ को आप मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकते हैं, 20 मीटर, डबल, बराबर। और कोई चीज़ को आप 100 मीटर तक दूर फेंक सकते हैं तो कितना ऊपर फेंक सकते हैं, 50 मीटर, ओके।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल हाइट का डबल होगा। चलो अभी ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ब्रेक्स इफ द टेंशन एक्सीड 10 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन कितना पॉसिबल है? 10 न्यूटन का। ओके अगर 10 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन हो गया स्ट्रिंग का तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम टाइट टू दिस स्ट्रिंग इट इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है सर्कल में, बराबर, मान लो कि ये सर्कल में ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसको एक फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन? तो टेंशन अप्लाई करेगा और वो सेंट्रिपिटल फोर्स आता कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और अगर यहाँ पे आपको बोला है कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगी जिससे दूरी टूटे नहीं, ये जो स्ट्रिंग है वो टूटनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये टेंशन भी क्या होगा? मैक्सिमम। ओके स्पीड बढ़ाते जाओ तो टेंशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम टेंशन के लिए आपको स्पीड क्या मिलेगी? मैक्सिमम, बराबर। बस यही कॉन्सेप्ट है, तो यही फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। ये हो गया 10, एम की वैल्यू क्या दी है? 250 ग्राम। एम दिया है 250 ग्राम, मतलब केजी में होगा 0.25 केजी, ऐसा यूनिट में वैल्यू रखनी है। और दूसरा दिया है यहाँ पे लेंथ, लेंथ मतलब हो गया रेडियस, बराबर, लेंथ ही हो गई क्या रेडियस? कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, बराबर। तो एम की वैल्यू हो गई 0.25, ओमेगा स्क्वायर हमें ओमेगा फाइंड करना है, आर की वैल्यू 0.1, बराबर। तो 0.1 को अगर मैं ये साइड ले जाओ तो 10 डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब 100, और ये 0.25 डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो इसके ऊपर से आपको ओमेगा मिलेगा, ये दोनों का रूट, 100 का 10 और 0.25 का 0.5। तो हमारा आंसर आएगा 20 रेडियन पर सेकेंड, बराबर, 20 रेडियन पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। बॉडी ऑफ वेट 2 kg इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, द टेंशन T1 इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है उसका टेंशन T1 हमें फाइंड करना है, बराबर। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है उसका टेंशन T1 क्या होगा फाइंड करना है। चलो तो यहाँ पे देखो एक टेंशन तो यहाँ पे आ रहा है, ये वाली स्ट्रिंग, मान लो कि इसका टेंशन T है, तो 2 कंपोनेंट मिलेंगे उसके टेंशन के लिए, कौन कौन से? तो एक ये वाला, एक ये वाला। देखो ये एंगल 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा T cos 30, और यहाँ पे ऊपर जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा T sin 30, बराबर। तो ये T sin 30 किसके बराबर? 2 kg वेट के बराबर। T sin 30 किसके बराबर? तो ये 2 kg वेट के बराबर। 2 kg वेट मतलब क्या? 20 न्यूटन। ओके बच्चों, और ये T cos 30 किसके बराबर? तो T cos 30 आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? ये T1 इसके बराबर। दोनों का अगर रेशियो ले हम तो T कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा मतलब टेन थीटा, 10 30, और यहाँ पे 2 kg वेट था, T1 हमें फाइंड करना है। 10 30 होता है 1/√3,
टी वन हमें क्या मिलेगा, 2√3 किलोग्राम वेट, बराबर। ये हो गया हमारा आंसर 2√3। चलो नेक्स्ट। टू पार्टिकल ए एंड बी आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन। दो पार्टिकल, ये पार्टिकल ए ये पार्टिकल बी, उसमें ए का मास वो बी से ज्यादा है, ऐसा कहा है। ए का मास बी से ज्यादा है ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा है। तो अभी ये चार ऑप्शन में कौन सा सही है? देखो यहाँ पे दोनों को हम छोड़ रहे हैं, कौन सा पहले नीचे गिरेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा होगा, बराबर। मास भले कुछ भी हो लेकिन नीचे आने का टाइम कौन डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन, बराबर। मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है नीचे आने का टाइम, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन। और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि ये जो सरफेस है उसका इंक्लाइन दोनों के लिए सेम है 45 डिग्री, तो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे, बराबर। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली इफ बोथ आर रिलीज टूगेदर। देखो ये वाला, ओके, दोनों को एक साथ छोड़ो, दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ओके। ये थर्ड वाला ऑप्शन है। चलो अभी एक सिस्टम हमें दी है यहाँ पे और हमें कहा है इन द अरेंजमेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये दोनों के बीच में जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 1/2 है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन लगता है वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो वो फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, पहले तो ये जो पूरी सिस्टम है ना उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन नीचे की जो सरफेस है वो तो स्मूथ है, मतलब पूरी सिस्टम एक्सेलरेट होगी, बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, बराबर। तो नेट फोर्स कितना है, 24, और टोटल मास क्या है, 6, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन, बराबर। पूरी सिस्टम एक्सेलरेट हो रही है, ये पूरी सिस्टम एक्सेलरेट हो रही है कितना, ए जितने एक्सेलरेशन। अगर ये बॉडी 4 जितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है तो इसके ऊपर अभी क्या लगने वाला है, सूडो फोर्स। समझ में आया कि नहीं? फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, सेकेंड बॉडी के ऊपर। तो एक्सेलरेट कौन होने वाली है, नीचे वाली जो बॉडी है ना वो एक्सेलरेट होने वाली है, और उसके ऊपर दूसरा एक ब्लॉक हमने रखा है। तो ये बॉडी एक्सेलरेट होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसके ऊपर लगने वाला है स्यूडो फोर्स। देखो पूरी सिस्टम जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसलिए ये जो बॉडी है उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी सिस्टम एक्सिलरेट हो रही है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई बॉडी हम रखेंगे तो उस पर स्यूडो फोर्स लगता है। तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा कितना, एम इंटू ए, एम कितना है, 2, ओके। तो इस पर फोर्स लगेगा m2, ए कितना है, 4, मतलब 8 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है। 2 kg का जो ब्लॉक है ना उस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन, सॉरी, उस पे स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। और ये बॉडी ये 4 kg के ऊपर कब तक रेस्ट पे रहेगी, जब तक ये फोर्स, ये जो स्यूडो फोर्स है वो मैक्सिमम लिमिट से बढ़ ना जाए, ओके। तो अभी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, देखो सिस्टम ये साइड एक्सेलरेट हो रही है, ओके। तो स्यूडो फोर्स इसको कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये साइड, लेफ्ट साइड, ओके। तो ये बॉडी पे फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये साइड।
अभी फ्रिक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर कोई बॉडी उस पे उसका जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा फोर्स लग रहा है कोई बॉडी के ऊपर, तो उसके ऊपर कितना फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जितना, बराबर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो कितना फोर्स लगेगा, तो जितना सूडो फोर्स है उतना लगेगा। अगर ये बॉडी उसका सूडो फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट है उससे बढ़ गया तो बॉडी स्लिप होने लगेगी, और अगर बॉडी स्लिप होने लगी तो उस पर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी, बराबर। अभी यहाँ पे कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन का तो कहा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का कोएफिशिएंट सेम ले लेते हैं और चेक करते हैं कि पहले तो इसकी लिमिट क्या है फ्रिक्शन की। ओके, तो फ्रिक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, बराबर। तो म्यू की वैल्यू क्या दी है 1/2, एम की वैल्यू क्या दी है 2, और जी की वैल्यू ले लेते हैं 10। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट क्या है 10। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है 10। तो अगर 10 से कम फोर्स होगा स्यूडो फोर्स, तो क्या ये 2 kg का ब्लॉक या 4 kg के ब्लॉक पे स्लाइड करेगा, नहीं करेगा। ओके, ये 2 kg का ब्लॉक स्लाइड कब करेगा, जब ये स्यूडो फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ जाए तो स्लाइड करेगा, और कौन सा फ्रिक्शन आएगा, तो वो केस में स्टेट काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर ये जो स्यूडो फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट से, जो ये साइड लगने वाला है राइट साइड, उससे कम है तो ये ब्लॉक मूव होने ही नहीं वाला, बराबर। तो फिर जितना स्यूडो फोर्स लगेगा उतना ही क्या लगना चाहिए फ्रिक्शन, समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो वो केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के जितना आएगा, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन के जितना, बराबर। और अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के जितना लगेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे क्या है, ये स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स कितना है 8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा 8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 से कम है इसलिए, बराबर। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर 8 न्यूटन। वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ, देखो हाइट दी है हमें कितनी 50 मीटर एट रेट ऑफ 20 kg/s, मतलब मास अपॉन टाइम दिया है। देखो 20 kg/s के रेट से नीचे गिर रहा है, मतलब मास के अपॉन में टाइम 20 kg/s ये हमें दिया है। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 20% ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन टर्बाइन, 20% हो रहा है लॉस, तो यूजफुल कितना रहा 80%, बराबर। द पावर जनरेटेड बाय द टर्बाइन, तो पावर कितना जनरेट होगा, यहाँ पे देखो पावर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वर्क अपॉन टाइम, बराबर। लेकिन जो भी वर्क हो रहा है उसमें 20% का तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 80% ही यूजफुल है, 80% ही पावर में कन्वर्ट होगा, तो ये जो पावर है उसको हम 80%, उसका 80% मतलब 0.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। और पानी नीचे गिरेगा तो कितना वर्क होगा, एम जी एच डिवाइडेड बाई टी इंटू 0.8, तो m अपॉन टी आया 20, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू है 50 इंटू
0.8 बराबर। तो अभी देखो 2 × 5 = 10, 1, 2, 3 तीन जीरो बराबर 10,000 इंटू 0.8। तो 10,000 इंटू 0.8 करेंगे तो क्या आएगा 8,000। ओके 8,000 वॉट जितना पावर जनरेट होगा ये 8 किलो वॉट बराबर। चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ एंड पोजीशन एक्स ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज शोन इन फिगर। इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन स्पीड ऑफ द बॉडी एट पोजिशन एक्स इक्वल्स टू 5 meter, एक्स इक्वल्स टू 5 meter पे क्या स्पीड होगी। यहाँ पे है ना बच्चों, देखो आपको एफ एक्स ग्राफ दिया है, और अगर एफ एक्स ग्राफ आपको दिया है तो उसके ऊपर से आपको मिलेगा वर्क। ओके और वो वर्क के ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी स्पीड आई। अभी वर्क किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। पहले बॉडी रेस्ट पे थी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, जीरो। तो अभी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो किसकी वजह से बढ़ेगी, वर्क की वजह से। तो जितना भी वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो क्या थी, जीरो थी। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको कई होती तो यहाँ पे हम माइनस करते हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसा कुछ करते, लेकिन यहाँ पे इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है बराबर। चलो तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अभी वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया वो क्या देता है, वर्क बराबर। अगर एरिया ऊपर है, ऊपर के तरफ है तो वर्क पॉजिटिव, और ये नीचे के तरफ है तो नेगेटिव बराबर। तो हमें कितने पार्ट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सॉलिड लाइन है ना, ये वाले दी है हमें, यहाँ से ये 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 ये, हमें 5 meter तक ही फाइंड करना है, मतलब यहाँ तक बराबर। हमें कितने पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो देखो ये एरिया एक ट्रायंगल, फिर ये वाला एक रेक्टेंगल, फिर ये दूसरा रेक्टेंगल, फिर ये वाला एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस करेंगे, और ये वाला ट्रायंगल, ये सब एरिया हम फाइंड करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा बराबर। तो अभी ये टोटल वर्क क्या आएगा, तो ये एरिया क्या है, चलो पहले वाला एरिया, तो ट्राइंगल है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है 1, और हाइट कितनी है तो 4। फिर ये सेकेंड एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1, और ब्रेथ कितनी है 4। फिर ये थर्ड एरिया, तो वो भी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 1, और ब्रेथ कितनी है तो 2, 1 × 2। फिर यहाँ पे ये एरिया नीचे के तरफ है इसलिए नेगेटिव वर्क होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बराबर, इसलिए नेगेटिव आएगा। और ये एरिया क्या, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1, ब्रेथ कितनी है तो 2, 1 × 2। फिर ये वाला एरिया पॉजिटिव, हाफ इंटू बेस, बेस है 1, इंटू हाइट, हाइट है 4 बराबर। चलो ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, मतलब पूरा 8। तो वर्क हो रहा है 8 जूल बराबर। अभी वर्क इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हमें लेना है, और यहाँ पे W मिला 8, और M की वैल्यू ये लोगों ने दी होगी, मास कितना है 1 kg। चलो ये हो गया 1, और V स्क्वायर, चलो तो ये 2 को ऐसे लाओ, 16 = V² तो V आएगा 4 meter per second। हमारा आंसर होगा
4 मीटर पर सेकेंड, बराबर। स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक ऐसे एक हाई टावर है और उसकी हाइट कितनी दी है, तो 20 मीटर की। और हमें कहा कि एक स्टोन है ना, उसको हम फेंक रहे ऐसे हॉरिजॉन्टली कितनी स्पीड से, तो 20 मीटर पर, सॉरी 20 मीटर तो हाइट है, कितनी स्पीड से फेंक रहे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्टोन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, इसलिए अभी ये स्टोन ऐसे गिरने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, बराबर। हमें कहा है द एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, एयर ड्रैग है नहीं, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड एज इट इज रहेगी, तो एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड पहले क्या है 10, तो बाद में भी क्या रहेगी 10 ही। ओके, जब तक ये स्टोन स्टोन या क्या है ये, हाँ स्टोन, तो स्टोन जब तक हवा में है तब तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, और वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियली 0 है, लेकिन जब जब बॉडी नीचे जाती जाना चालू करेगी तो वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे 10 जितना एक्सेलरेशन होता है। अभी क्या कहा है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज वेल एज बेस, टॉप और बेस से सेम डिस्टेंस मतलब क्या, हाफ, बराबर। यहाँ पे अगर बॉडी हाफ पे आ जाए बॉडी, अगर ये जगह पे आ जाए हाफ डिस्टेंस, तो स्पीड क्या होगी। चलो स्पीड फाइंड करने के लिए देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है ना ये डायरेक्शन में, अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, स्पीड, बराबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, और उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट, दूसरा तो वाई कंपोनेंट। ओके, और एक्स कंपोनेंट तो जितने जितना पहले था उतना ही रहेगा, और ये पहले एक्स डायरेक्शन का ही है, पहले की स्पीड एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो 0 है, बराबर। तो एक्स डायरेक्शन का तो वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, वाई डायरेक्शन का हमें फाइंड करना। यहाँ पे वाई डायरेक्शन का क्या है, देखो वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, पहली जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल थी, तो वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, बराबर। अभी वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आई ना बॉडी, देखो यहाँ तक हाफ डिस्टेंस तक, मतलब कितना 10 मीटर, बराबर। तो अभी फॉर्मूला वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, वाई डायरेक्शन की बात है तो यहाँ पे सब जगह पे y, बराबर। तो वी वाई स्क्वेयर, ये यू वाई तो 0 है, 2ay, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, g के जितना मतलब 10, और एस वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे 10, बराबर। तो वी वाई स्क्वेयर क्या मिला हमें 200, बराबर। अभी स्पीड मतलब ये v इनिश, ये जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बराबर। तो वी एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, वी वाई स्क्वायर, वी वाई क्या मिला हमें, तो वी वाई स्क्वायर चलो डायरेक्ट मिल गया 200, तो ये हो गया 200, तो 100 प्लस 200 मतलब 300, और उसका रूट निकालेंगे 10√3 मीटर पर सेकेंड, हमारा आंसर होगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, अ क्ले बॉल ऑफ मास एम
एंड स्पीड वी स्ट्राइक्स अनदर मेटल बॉल ऑफ मास एम विच इज एट रेस्ट. एक क्ले बॉल है बराबर, इसका मास क्या है एम, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है वी जितनी स्पीड से. और दूसरा एक ब्लॉक बॉल सेम मास का है जो ऐसे रेस्ट पे है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है. दे स्टिक टूगेदर आफ्टर कोलिजन. ये बिफोर कोलिजन का था, आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक हो गए, मतलब ये मास हो गया क्या 2m बराबर, स्टिक हो गए और कुछ वेलोसिटी होगी, पता नहीं क्या कुछ होगी बराबर. वो वेलोसिटी से अभी दोनों ब्लॉक आगे बढ़ेंगे. तो हमें पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है हमें, तो क्या करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एम कितना 2m इंटू वी स्क्वायर, वी क्या ये वी डैश उसका स्क्वायर बराबर. तो अभी ये वी डैश हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो कोलिजन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है. ओके, कोई भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन होता ही है. तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है, किसके पास है, सिर्फ ये वाले बॉल के पास है, कितना है एम वी, इसके पास नहीं है. और यहाँ पे अभी मोमेंटम क्या होगा फाइनल 2m इंटू वी डैश. ओके, तो आपको वी डैश क्या मिलेगा v बाय 2, रखो यहाँ पे, चलो ये 2 कैंसल m, और ये हो गया v बाय 2 का स्क्वायर. तो हमारा आंसर होगा एम वी स्क्वायर बाय 4. ओके, एम वी स्क्वायर बाय 4 आंसर नंबर 2. यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ l इज बेंड इनटू द शेप ऑफ वी, वी शेप में ये यूनिफॉर्म वायर को हमने बेंड किया है. ओके, एज शोन द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा हमें फाइंड करना है. तो देखो, अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है आपको तो हमें एक्सिस लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैं एक्सिस ले रहा हूँ, चलो ये हो गई एक्स एक्सिस और एक हो गई वाई एक्सिस बराबर. अभी पूरा जो वायर था उसकी लेंथ L थी, तो अभी ये दोनों पार्ट की लेंथ क्या होगी, ये जो पूरा पार्ट है उसकी लेंथ L बाई 2 और इसकी लेंथ भी क्या L बाई 2. मान लो कि पूरे का मास M है तो आधे का मास क्या होगा M बाई 2 और इसका मास भी M बाई 2 बराबर. और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, ये वाला जो वायर है उसका एग्जैक्टली बीच में बराबर. मतलब कितने डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल जो डिस्टेंस है ना उसका हाफ, टोटल क्या है L बाय 2, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा तो L बाय 4 बराबर. तो अभी इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखने हो तो क्या करें, तो देखो ये लेंथ है L बाय 4 और ये वाला एंगल क्या होगा 60 का हाफ 30. तो x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा L बाय 4 cos 30 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा L बाय 4 sin 30. L बाय 4 cos 30, cos 30 मतलब रूट 3 बाय 2 और y कंपोनेंट मिलेगा L बाय 4, L बाय 4 साइन 30, साइन 30 मतलब 1 बाई 2. सेम यहाँ पे भी ये जगह पे हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा ये एसी पार्ट का और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट L बाई 4 रूट 3 बाई 2 बराबर. ये डिस्टेंस कितना होगा सेम L बाई 4
और अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो एल बाई फोर, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो एक्स एक्स कंपोनेंट मिलेगा कोस 30 वाला, बराबर एल बाई फोर कोस 30 √3/2, और वाई कंपोनेंट क्या आएगा, सेम एल बाई फोर sin 30 1/2, लेकिन वाई नीचे नेगेटिव वाई है तो यहाँ पे आएगा माइनस, बराबर। तो अभी सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, तो अगर एक्सियम फाइंड करना है तो m1x1 + m2x2 / m1 + m2, ये पार्ट का मास क्या है m/2, और उसके लिए x1 क्या होगा तो l/4 √3/2, ओके प्लस m2, m2 मतलब ये सेकेंड पार्ट, उसका मास क्या है m/2, और उसके लिए जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है l/4 √3/2 / m1 + m2, मतलब m/2 + m/2 मतलब m, तो ये m m कैंसिल हो गया, बराबर। क्या आएगा तो देखो, अभी यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, और ये √3 l/16, लेकिन ये उसके साथ इसका भी हम एडिशन करेंगे √3 l/16, तो आंसर क्या होगा √3 l/8, ये हो गया हमारा आंसर √3 l/8। वाई का क्या होगा, तो देखो जितना यहाँ पे आपको देख ही रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, दोनों का मास भी सेम है, तो वाई सी एम क्या मिलेगा, सेम 0 ही मिलेगा। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, बराबर। ये क्वेश्चन, रिजिड मासलेस रॉड ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन 2 रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट ए और बी है, एट इट्स एंड, दोनों सपोर्ट रॉड के एंड पे है, वेट ऑफ 10 न्यूटन इज हैंग फ्रॉम पॉइंट सी एट डिस्टेंस 30 फ्रॉम ए, ऐसे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 30 का, फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड बी। चलो यहाँ पे है ना, आपको ऑप्शन देख के डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि ये वेट है ना वो ए के नज़दीक में है, ए सपोर्ट के, तो ए सपोर्ट पे ज़्यादा फोर्स आएगा, बराबर, रिएक्शन फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा, और बी पे कम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का टॉर्क होना चाहिए इक्वल और ओपोजिट डायरेक्शन का। तो इसका मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन ए पे है एन, और डिस्टेंस ये वाला कितना है तो 0.3 मीटर, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा 0.7 मीटर, बराबर। तो ये 0.3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे एन बी, और ये डिस्टेंस कितना 0.7, बराबर। तो एन ए अपॉन एन बी क्या होगा 7/3, बराबर, और दोनों का एडिशन करें एन ए और एन बी का, दोनों फोर्स ऊपर लगेंगे और ये 10 न्यूटन का वेट है वो नीचे लगेगा, बराबर, तो ये दोनों का एडिशन होना चाहिए 10, ओके। तो ये सब आप दोनों सोल्व करेंगे ना, तो एन ए मिलेगा आपको 7 और एन बी मिलेगा 3, ओके। सिंपल था, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ये वेट जिसके नज़दीक है वो सपोर्ट पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा आएगा, और जहाँ से दूर है वहाँ पे कम आए, बराबर। ऐसे सिंपल आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा था। थिन होलो सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। देखो एक होलो सिलेंडर है, बराबर, जो उसकी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो सकता है। इट हैज अ मास ऑफ, इसका मास है 8 kg,
और इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। ओके, तो अभी इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो होलो सिलेंडर है इसलिए आएगा mr2। m की वैल्यू है 8 और r2, 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो ये हो गया 0.32 किलोग्राम पर, सॉरी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू मिल गई हमें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड अलोंग अ रॉप टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड? देखो, इसके ऊपर हमने क्या किया, रोप को ऐसे वाइंड कर दिया और यहाँ से जो वो रोप बाहर निकलेगी उस पे हम लगाए गए फोर्स। तो ये फोर्स की वजह से ये जो सिलेंडर है उसके ऊपर टॉर्क लगने वाला है। तो टॉर्क कितना लगेगा यहाँ पे? तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस होगा रेडियस के बराबर। और दूसरा एक फॉर्मूला है टॉर्क का, आई इंटू अल्फा। हमें क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा फाइंड करना है, बराबर। तो अभी, सॉरी, अल्फा फाइंड नहीं करना, अल्फा तो ये लोगों ने दिया है, हमें फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स फाइंड करना है तो आई अल्फा अपॉन आर। आई की वैल्यू क्या है? 0.32, और अल्फा की वैल्यू क्या है? तो 3, और आर क्या दिया ये लोगों ने? 0.2। ओके, तो 0.32 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6, और 1.6 इंटू 3 4.8। हमारा आंसर होना चाहिए 4.8 न्यूटन। चलो अभी ये क्वेश्चन, फिगर शोज एलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी। ए बी सी डी एक एलिप्टिकल पाथ प्लेनेट का दिखाया है। यहाँ पे एस पे है सन। ओके, सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स। सी एस ए का एरिया, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स। मान लो कि एलिप्स का एरिया है ए। ओके, तो एरिया ऑफ सी एस ए क्या आएगा? ए बाई 4। ट्राइंगल सी एस ए का एरिया क्या आएगा? तो ए बाई 4, बराबर। ये हमें दिया है विथ डी बी एज मेजर एक्सिस। डी बी ये क्या है? मेजर एक्सिस। एंड सी ए द माइनर एक्सिस। इफ T1 इज द टाइम टेकन फॉर प्लेनेट टू गो ओवर पाथ ABC, ए से बी, बी से सी, ये पाथ पे जाने के लिए प्लेनेट को कितना टाइम लग रहा है? T1, बराबर। एंड T2 फॉर पाथ टेकन ओवर CDA, CDA ये वाला CDA, ये पाथ पे जाने के लिए टाइम लग रहा है T2। तो ये T1 और T2 का रिलेशन क्या होगा हमें फाइंड करना है। ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट dA/dt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बराबर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कॉन्स्टेंट रहता है। एरिया मतलब क्या? ये जो सन के साथ ये एरिया बन रहा है ना, ये प्लेनेट जो एरिया ट्रैवल्स कर रहा है वो एरिया, बराबर। एक केपलर का सेकेंड लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ क्या था कि सेम टाइम में सेम एरिया प्लेनेट और सन को जो ज्वाइन कर रही है वो लाइन ट्रैवल्स करती है। तो उसके ऊपर से ही ये आया कि अगर टाइम इंटरवल सेम तो एरिया आपका ट्रावर्स भी क्या होगा? सेम।
और इसके ऊपर से मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम है बराबर वो किसके ऊपर, एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा एरिया प्लेनेट और सन को ज्वाइन कर रही लाइन ट्रावर्स करेगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बराबर, तो देखो यहाँ पे सन है, अभी एक बार है ना प्लेनेट ए से सी जा रहा है, ये वाले पाथ से। बराबर, तो ये एरिया, इसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे टाइम टी वन लग रहा है तो एरिया लगेगा ए वन। और ये कितना एरिया होगा, तो पूरे एलिप्स का एरिया है ए, तो ये हाफ पार्ट का क्या होगा, ए बाई टू। और ये ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है, ए बाई फोर, क्वेश्चन में हमें कहा है। तो ये टोटल एरिया क्या हुआ, ये हो गया 3a/4, ये वाला ए वन एरिया। बराबर, और दूसरा प्लेनेट सी से ए जाने के लिए इतना एरिया ट्रावर्स कर रहा है, तो यहाँ पे जो एरिया मिलेगा उसको मैं बोलूँगा ए टू। अभी ये एरिया कैसे मिलेगा, तो ये हाफ एरिया है ए बाई टू, उसमें से ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया ए बाई फोर, ये हो गया ए टू। बराबर, और ये हो गया 3a/4। ओके, अभी यही जो रिलेशन है टी वन बाई टी टू इक्वल्स टू ए वन बाई ए टू, टी वन टी टू एज इट इज रखो, ए वन क्या मिला हमें तो 3a/4, और ए टू क्या मिला तो ए बाई फोर। ओके, तो ये ए बाई फोर कैंसिल कर दो, तो हमें टी वन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3t2। बराबर, आंसर आएगा टी वन इक्वल्स टू 3t2। बराबर, चलो नेक्स्ट। ऑन ऑन एन एक्स टेम्परेचर स्केल वाटर फ्रीजिस एट -125 डिग्री एक्स एंड बॉयल्स एट 375 डिग्री एक्स। ऑन अनदर वाई टेम्परेचर स्केल वाटर फ्रीजिस एट -70 डिग्री वाई एंड बॉयल्स एट -30 डिग्री वाई। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्स स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री वाई ऑन वाई स्केल। तो एक्स की वैल्यू, अगर वाई स्केल के लिए टेम्परेचर 50 है तो एक्स स्केल के लिए कितना होगा, दो अलग अलग स्केल दी है। ओके, उसमें एक्स स्केल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -125 डिग्री एक्स। बराबर, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है 375 डिग्री एक्स। बराबर, और वाई के लिए तो फ्रीजिंग पॉइंट है -70 डिग्री डिग्री वाई, और बॉइलिंग पॉइंट है -30 डिग्री वाई। तो अभी क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अगर वाई की वैल्यू 50 डिग्री वाई है, वो टाइम पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। बराबर, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लाइन का इक्वेशन यूज़ करेंगे। बराबर, ये जो टेम्परेचर स्केल होगी ना उसके बीच में रिलेशन कौन सा होगा, लीनियर रिलेशनशिप होगा, और उसके लिए हम लाइन का इक्वेशन यूज़ करेंगे। इक्वेशन था एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस वाई नॉट। ओके, तो अभी एक्स हमें फाइंड करना है, और एक्स नॉट क्या है, -125 डिवाइडेड बाय एक्स वन, एक्स वन है क्या 375 -125 इक्वल्स टू वाई की वैल्यू दी है 50 और वाई नॉट दिया है -70,
y1 है माइनस 30 और y0 है माइनस 70, बराबर। तो अभी ये हो गया x प्लस 125, ये हो गया 500, ये हो गया 120, ये हो गया 40, तो ये हो गया 3। हमारे लिए x प्लस 125 मिलेगा 3 इंटू 500 मतलब 1500, और 1500 में से ये 125 माइनस करे तो 1375, ओके। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1375, बराबर। चलो नेक्स्ट, टू लिक्विड ए एंड बी आर एट टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। ए का टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। मासेस आर इन द रेशियो, ए का मास और बी का मास दोनों का रेशियो है 3/2 एंड देयर स्पेसिफिक हीट इन द रेशियो 3/4। स्पेसिफिक हीट SA अपॉन SB है 3/4, ओके। इफ दिस टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड देन रिजल्टिंग टेम्परेचर विल बी, ओके, दोनों लिक्विड को हम मिक्स कर दे तो रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर फाइंड करने के लिए देखो, जब भी ये दोनों को ऐड करें, एक साथ मिक्स करेंगे, तो जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है वो हीट लूज करेगा और जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा। तो यहाँ पे ए हीट लूज कर रहा है और बी हीट गेन कर रहा है, बराबर, और दोनों हीट ट्रांसफर सेम हो गए। ए का टेम्परेचर कम होगा, बी का बढ़ेगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्यू का फॉर्मूला आएगा एम एस डेल्टा टी। ए के लिए मास ए का, एस ए का, टेम्परेचर का चेंज भी ए का, और बी के लिए बी, बराबर। तो अभी ये एम बी और एस बी ये साइड ले लेते हैं, तो एम ए अपॉन एम बी, एस ए अपॉन एस बी, और डेल्टा टी ए मतलब क्या, तो एम ए जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो पहले कितना था 75, बाद में को क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा वो हमें फाइंड करना है। मान लो कि टी जितना है बाद में, बराबर, जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है टी, तो कितना चेंज होगा इसमें, पहले 75 था और फिर हो गया टी, बड़े में से छोटा माइनस करो आपको मिलेगा चेंज। चलो ये एम बी एस बी ए साइड लाए है, अभी बी का चेंज कितना होगा, तो पहले 15 था बाद में टी हो गया, टी ज़्यादा होगा तो टी में से ये 15 को माइनस करो, बराबर। अभी ये रेशियो आएगा 2/3, ये रेशियो है 3/4, और ये 75 माइनस टी और ये टी माइनस 15, बराबर। तो ये 3 कैंसल, यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में 2 ये साइड जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में तो 75 माइनस टी इक्वल्स टू 2t माइनस 30, माइनस 30 ये साइड लाओ तो ये हो गया 105, माइनस टी ये साइड ले जाओ 3t, तो टी मिलेगा हमें 35 डिग्री सेल्सियस, बराबर। ये हो गया आंसर 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, बॉडी एमिट्स 50 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो पहला पावर क्या है, 10 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन से टेम्परेचर पे, 427 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन में ले तो कितना होगा ये, तो 700 केल्विन, बराबर। सन रेडिएट्स, सन का पावर दिया है हमें 10^5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन, सन का टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ पे स्टीफन्स फॉर्मूला पावर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का 4 पावर, ये रिलेशन यूज करेंगे हम। ओके, तो फिर P1 अपॉन P2 हमें मिलेगा T1 अपॉन T2 रेस टू 4। ओके, P1 क्या है 10 और P2 क्या है 10 रेस टू 5, 10 रेस टू 5 T1 तो 700 और T2 हमें फाइंड करना है पावर 4। ओके, अगर ये दोनों को मैं सिंपलीफाई करो, यहाँ पे 10 रेस टू 1 अपॉन 10 रेस टू 4 बचेगा, और दोनों साइड अगर 1/4 पावर से मल्टीप्लाई करे, दोनों साइड पावर 1/4 कर दे, तो ये 4 निकल जाएगा। 700 बाई T2 इक्वल्स टू 1/10, तो T2 आपको मिलेगा 7000 केल्विन। बराबर, तो ये हो गया 7000 केल्विन। आइडियल गैस एक्सपांड्स इन सच अ वे दैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम कंप्लाई विद द कंडीशन PV रेस टू 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैस इज हीटेड कूल्ड, फर्स्ट हीटेड देन कूल्ड, नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड। देखो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है PV रेस टू 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कहा है कि वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैस एक्सपांड हो रहा है। ओके, ऐसा बोला है कि गैस एक्सपांड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अभी टेम्परेचर में क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो टेम्परेचर का कुछ रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे हमें तो पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू क्या होता है NRT। तो यहाँ पे PV² है ना, उसकी जगह पे PV × V ले लेता हूँ। बराबर, और PV की जगह पे क्या रखेंगे हम NRT × V इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट NRV कांस्टेंट, तो V × T भी क्या होगा कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू होगा 1/T, या तो T प्रोपोर्शनल टू होगा 1/V। ओके, तो वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर से टेम्परेचर क्या होगा वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इन्वर्सली रिलेशन है। बराबर, तो टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, तो बॉडी क्या होगी कुल होगी। बराबर, चलो नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट? देखो थर्मोडायनेमिक स्टेट उसका क्या कहते हैं वो डिटेल बताने के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर यूज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, PVT। बराबर, ये तीन ही है जो स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे उसके अलावा कौन है, ये वर्क, वर्क है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिनोट करने के लिए यूज नहीं होता। बराबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 वाला। चलो नेक्स्ट। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एक का एरिया क्या है ए और दूसरे का एरिया क्या है तो 3a। इफ लेंथ ऑफ वायर वन इंक्रीज्ड बाय, पहले की लेंथ इंक्रीज हुई कितनी डेल्टा एक्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स, पहले के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर टू बाय द सेम अमाउंट। दूसरे वायर को भी हमें सेम स्ट्रेच करना है, सेम एक्सपेंशन करना है उसका, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड करना है। बराबर, तो यहाँ पे हम है ना ये यंग मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू FL/A×ΔL। बराबर, और यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो दोनों वायर के लिए सेम रहेगी, तो दोनों का मटेरियल सेम है इसलिए Y क्या रहेगा सेम कांस्टेंट, फिर
हमें कहा है कि दोनों का एक्सपांशन क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स दोनों का सेम एक्सपांशन हो रहा है, बराबर। तो अभी इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये एफ एल अपॉन ए जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट, बराबर। ओके, तो अभी हमें तो ये एफ टू फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे हम, एफ वन एल वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू एफ टू एल टू बाय एफ वन मतलब फर्स्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है वो, एल वन मतलब फर्स्ट की लेंथ, ए वन मतलब फर्स्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया, और एफ टू मतलब सेकेंड पे लगेगा जो फोर्स वो, फिर एल टू मतलब उसकी लेंथ, ए टू मतलब उसका एरिया, बराबर। तो इसके ऊपर से F2 हमें मिलेगा F1, F2 फाइंड करना है, ओके। तो बाकी सब ये साइड ले जाओ, F1 फिर L1 बाय L2 और A2 बाय A1, ओके। अभी F1 क्या है, F क्वेश्चन में कहा है F, फिर L1 अपॉन L2 क्या होगा, चलो इसके ऊपर से हमें A1 अपॉन A2 मिलेगा क्या, 1/3, बराबर। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, एरिया इनटू लेंथ, बराबर। और यहाँ पे वॉल्यूम सेम है तो एरिया और लेंथ क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर। तो इसके ऊपर से L2 बाय L1 क्या आएगा, सॉरी L1 बाय L2 क्या आएगा, 3, क्यों, क्योंकि एरिया और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, बराबर। वैल्यू रख दो 3, और A2 बाय A1 भी आएगा 3, तो ये हो गया 9F, ओके, 9F इज अ करेक्ट आंसर। प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू द एंड ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कॉन्स्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज बाय 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, और यंग मॉड्यूलस हमें दिया है 2×10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन आपको 1.1×10^-5 केल्विन इनवर्स दिया है, बराबर। प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब के ये थर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितनी, जितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा उतना हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, बराबर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला आ रहा था अल्फा इनटू यंग मॉड्यूलस इनटू डेल्टा थीटा, बराबर। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, अल्फा की वैल्यू है 1.1×10^-5, यंग मॉड्यूलस है 2×10^11, और डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 10^2, बराबर। तो 2×1.1 मतलब 2.2, और 10^2 क्या आएगा, -5 + 11 मतलब 6, 6 + 2 = 8, तो 2.2×10^8 ये फर्स्ट वाला है वो हो गया आंसर हमारा, बराबर। नेक्स्ट, भागीरथी एंड अलकनंदा मर्ज एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा विथ देयर स्पीड्स इन द रेशियो ऑफ 1:1.5, बराबर। दो रिवर है ऐसे मर्ज हो रही है, एक ये वाली रिवर हो गई, दूसरी ये वाली रिवर, और दोनों मर्ज होके क्या बना रही है, गंगा, बराबर। दो रिवर, चलो ये रिवर वन कौन सी है, भागीरथी, बराबर। फिर ये हो गई रिवर टू, कौन सी है, अलकनंदा, अलकनंदा, और ये है रिवर थ्री, कौन सी है, गंगा,
बराबर। दो रिवर दोनों मर्ज होके गंगा रिवर बना रही है, ओके। और ये दोनों का स्पीड का रेशियो v1/v2, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के अंदर वाटर का जो स्पीड है उसका रेशियो 1/1.5 मतलब 3/2, ये आया 2/3, बराबर। ये हमें v1/v2 दिया है और कहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द भागीरथी, जो भागीरथी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर अलकनंदा और गंगा तीनों के क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो a1:2, a2:3 हमें दिया है 1:2, 2:3। एज्यूमिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ गंगा टू दैट ऑफ अलकनंदा, मान लो कि गंगा की स्पीड यहाँ पे क्या v3 है, ओके। यहाँ पे जो स्पीड है वो v1 और यहाँ पे स्पीड है v2, तो गंगा की स्पीड v3 और दूसरा क्या टू दैट ऑफ अलकनंदा, अलकनंदा मतलब v2, v3/v2 ये रेशियो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो अभी ये रेशियो कैसे फाइंड करें, तो एक काम करो, देखो यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिया है ना उसके ऊपर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि v1 है ना 2x है और v2 है वो 3x है, बराबर। ये हमने एज्यूम किया है और ये वाला जो रिलेशन दिया है उससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ a1 मतलब ये भागीरथी का एरिया वाई है, a2 रेशियो के ऊपर से हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, ओके। a2 होगा 2y और a3 होगा 3y, बराबर। अभी यहाँ पे क्या होगा, तो ये दोनों नदी मर्ज हो रही है और ये नदी बन रही है, तो दोनों में जो इनफ्लो रेट है उतना ही इसके लिए क्या होगा आउटफ्लो रेट, बराबर। फ्लो रेट तीनों के, ये दोनों के फ्लो रेट का सम किसके बराबर होगा, तो गंगा नदी के फ्लो रेट के बराबर, बराबर। तो इसका फ्लो रेट क्या a1v1, ये नदी का फ्लो रेट क्या a2v2, और ये दोनों कंबाइन होके गंगा नदी का फ्लो बन रहा है, मतलब गंगा नदी का फ्लो रेट क्या आएगा a3v3, बराबर। चलो अभी वैल्यू, a1 है y और v1 है 2x, a2 है 2y और v2 है 3x, a3 है 3y और v3 है, v3 हमें फाइंड करना है, ओके। चलो v3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अभी यहाँ से क्या कैंसिल होने वाला है, ये y कैंसिल हो गया, बराबर, और 2x + 6x, ओके। ये 2x और ये 6x मतलब 8x इक्वल्स टू क्या आया 3v3, तो आपको v3 क्या मिलेगा 8/3x। चलो ये v3 हमें मिल गया 8/3x, हमें ये रेशियो फाइंड करना है v3/v2, v3 मिला 8/3x और v2 क्या है तो 3x, तो हमारा आंसर आएगा 8/9, बराबर। हमारा आंसर होगा ये वाला 8/9, ओके। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर डायामीटर बॉल इज 20 सेंटीमीटर/सेकेंड, ओके। अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तब स्पीड क्या है 20 सेंटीमीटर/सेकेंड। इन अ विस्कस लिक्विड यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब क्या टर्मिनल स्पीड की बात है ये, ओके। तो अगर 2 सेंटीमीटर डायामीटर का बॉल है तो उसकी टर्मिनल स्पीड क्या है 20 सेंटीमीटर/सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायामीटर बॉल इन द सेम लिक्विड इज,
अगर डायामीटर 1 सेंटीमीटर का है तो उसमें स्पीड क्या होगी? अभी आपको बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? 2/9 जिस 2/9 a² इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा रो माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था बराबर। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, a मतलब रेडियस, ओके, और रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायामीटर के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी बराबर। तो यही रिलेशन यूज यहाँ पे करना है। V1 अपॉन V2 क्या आएगा? तो ये रिलेशन के ऊपर से D1 अपॉन D2 का स्क्वायर बराबर। तो V1 है यहाँ पे 20, V2 हमें फाइंड करना है, D1 2, D2 1 उसका स्क्वायर बराबर। तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 यहाँ पे नीचे जाएगा, V2 आएगा ऊपर, तो 20/4 मतलब 5। हमारा आंसर होगा क्या? 5 मीटर पर सेकेंड बराबर। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 5 सेकेंड, देन द टाइम पीरियड ऑफ SHM। देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, और जीरो कब होगी? मीन पोजीशन पे। तो मैक्सिमम पोजीशन से मीन पोजीशन आने के लिए कितना टाइम लगता है? T/4, और वो टाइम कितना दिया है लोगों ने? 5। तो फिर T क्या होगा? 20 सेकेंड, सिंपल है बराबर। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और पूछा है मैक्सिमम एक्सिलरेशन, मैक्सिमम एक्सिलरेशन क्या होगा? तो a ω² a क्या है यहाँ पे? 0.2, और ओमेगा क्या है? 10 का कोएफिशिएंट, क्या होगा? π/2 × 10 मतलब 10π/2, ये 0.1 × 10, तो हाँ सॉरी इसमें यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो ए की वैल्यू 0.2, फिर ये 10π/2 का स्क्वायर, तो 0.2 एज इट इज, 10 का स्क्वायर 100, π/2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर। तो अगर 0.24 को 0.2 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 20, और 100 को 20 से डिवाइड करें तो 5, तो आंसर आएगा 5π, 5π² ओके, यहाँ पे स्क्वायर आएगा 5π². यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 kg एंड लेंथ 2.5 मीटर हैंग्स फ्रॉम सीलिंग। चलो ये हो गई सीलिंग, यहाँ पे एक रोप है बराबर, रोप ऐसे यहाँ से ऐसे लटक रही है, उसका मास दिया है हमें 0.1 kg, 0.1 kg, और लेंथ दी है 2.5 मीटर, तो इसके ऊपर से आपको म्यू मिलेगा m/L, 0.1/2.5 होगा 0.04 kg/m बराबर। ये हमें म्यू मिल गया, म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी मिल गई। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अपर एंड मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होगी ट्रांसवर्स वेव की? तो स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है टेंशन अपॉन म्यू। तो ये एंड पे टेंशन क्या आएगा? तो पूरी जो स्ट्रिंग है उसका वेट आ रहा है ये एंड पे, ओके, तो पूरी स्ट्रिंग का मास क्या है? 0.1, तो पूरी स्ट्रिंग का वेट क्या आएगा? 1 न्यूटन, ओके। तो टी क्या लेना है हमें? 1, और म्यू की वैल्यू क्या मिली हमें? 0.04, 0.04, और इसका रूट निकाले तो 1/0.2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। अपर पार्ट पे
स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक ही ऐसा ऑप्शन है। और अभी दूसरा आंसर क्या पूछा है? एंड एट अ पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड, लोअर एंड से यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 0.5 मीटर का, बराबर। तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? ये पार्ट का ही वेट आएगा। पूरी का ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है? 2.5, और ये कितना है? 0.5, मतलब 1/5 रोप है ये। ओके, तो आपको ये पार्ट जो है उसका टेंशन क्या मिलेगा? पूरी रोप का जो वेट है उसका 1/5 है, बराबर। क्या आएगा? 0.1 × 10, मतलब 1/5 टेंशन मिलेगा, 1/5 न्यूटन। और सेम ये वैल्यू में ये टी की जगह पे रख दो, आपको 2.24 मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन में हमें कहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 200 हर्ट्ज़। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है मतलब उसका एक एंड क्या होगा? क्लोज। और दूसरा तो भाई ऑर्गन पाइप है तो एक एंड तो खुला होना ही चाहिए, दोनों क्लोज हो गए तो कैसे यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बराबर। तो एक एंड ओपन होगा। तो इसके लिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब V/4L दिया है 200। तो इसके ऊपर से हमें V/L क्या मिलेगा? 800, बराबर। अभी ये पहला केस था। अभी क्या बोला? इफ हाफ ऑफ पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, सेम पाइप, ये जो पाइप है, सॉरी चलो, सेम जो पाइप है उसमें आधा पाइप है ना वो हम वाटर से भर रहे, आधा पाइप हमने पानी से भर दिया, आधा बचा, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई? L/2, बराबर। तो अभी ये केस के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? V/4L, L यहाँ पे क्या? L/2, बराबर। तो ये कितना होगा? V/2L, और V/L तो था 800, तो 800/2 मतलब 400, 400 हर्ट्ज की क्या हो गई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड केस में। और हमें पूछा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटर्न ऑफ द पाइप्स, पाइप के सेकेंड ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सेकेंड ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? देखो एक एंड क्लोज है दूसरा ओपन है, इसमें तो ओड हार्मोनिक ही हो गए। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 0 ओवरटर्न, ओके, उसमें ओवरटर्न नहीं होता। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर सेकेंड, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आएगा वो फर्स्ट हार्मोनिक, और उसके बाद आएगा 5th हार्मोनिक वो सेकेंड ओवरटोन, बराबर। तो सेकेंड ओवरटोन क्या होगा? सेकंड ओवरटोन मतलब 5th हार्मोनिक, 5 × जो भी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो, बराबर, ये पहली फ्रीक्वेंसी आई ना, × F1, तो 5 × 400 हमारा आंसर होगा 2000 हर्ट्ज़, बराबर। ये हो गया आंसर। चलो अभी कॉलम मैच करनी है। डिस्क है तो डिस्क के लिए क्या आएगा? MR² / 2, ए के लिए आएगा 2। फिर रिंग, रिंग के लिए आएगा MR², बराबर, बी के लिए आएगा 4। और रोड है तो रोड के लिए आएगा ML² / 3, और अभी तो एक ही बचा, डी के लिए आएगा 1। ऐसा कौन सा है? ये वाला, 4th वाला, बराबर। एसर्शन रीजन, पहला एसर्शन है वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स, बराबर। हमें ये कह रहे हैं कि
ग्रेविटेशन के वजह से या तो उसके अगेंस्ट में जो वर्क होता है वो अगर पाथ अलग अलग है तो भी उससे तो इंडिपेंडेंट ही होगा, बराबर। मतलब ग्रेविटेशन की वजह से आप मान लो कि कोई ये दो जगह है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ही लग रहा है, हम ये पाथ पे जाए या ऐसे कोई पाथ पे जाए, दोनों में वर्क सेम होगा, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एसर्शन राइट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ना के पाथ के ऊपर, तो राइट है। फिर रीज़न क्या बताया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन बी रिकवर्ड कम्प्लीटली। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन रिकवर कर सकते हैं, ऊपर जाने के लिए अगर आप वर्क करेंगे तो नीचे आने के लिए ग्रेविटी वर्क करेगी, मतलब जो एनर्जी हमने यूज़ की थी वो एनर्जी ग्रेविटी वापस दे देगी, तो वो भी सही है, रीज़न भी सही है, एसर्शन भी सही है। लेकिन क्या ये रीज़न ये एसर्शन को समझा रहा है? नहीं। ये एसर्शन का रीज़न क्या होना चाहिए? इसका रीज़न होना चाहिए कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, बराबर। तो रीज़न तो यहाँ पे है नहीं, बराबर, कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए, तो रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये फर्स्ट वाला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट रीज़न फॉर ए। चलो अभी हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, वी इक्वल्स टू 3x² - 2x, और हमें पूछा है एक्सेलरेशन एट 2 मीटर, ओके, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए dv/dt करेंगे, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x dx/dt -2 dx/dt, dx/dt मतलब क्या, v, बराबर। तो ये हो गया 6xv - 2v, यहाँ पे v कॉमन ले लो, 6x - 2। अभी यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी है क्या, 2, यहाँ पे रखेंगे, और अगर x 2 है तो v क्या होगा, v इक्वल्स टू क्या है, 3x² - 2x, x की वैल्यू 2 के लिए वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हो गया 3 × 4, मतलब 12 - 4 = 8, v की वैल्यू आई 8 और x की वैल्यू है 2, तो ये 8, 6 × 2 = 12, 12 - 2 मतलब 10, तो ये हो गया 80, हमारा आंसर आएगा 80, बराबर। चलो नेक्स्ट, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30° विथ हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 30 m/s। देखो आपको इनिशियल स्पीड दी है 30 m/s और थीटा दिया है कितना, 30°, तो इसके ऊपर से हमें एक्स कॉम्पोनेंट मिलेगा u cos थीटा, मतलब 30 और cos 30 √3/2, 15√3, और y कॉम्पोनेंट मिलेगा u sin थीटा, sin थीटा यहाँ पे क्या होगा, sin 30 1/2, u की वैल्यू 30 है तो ये आएगा 15, ux है 15√3, ui है 15, बराबर। What is the angle with which horizontal after 1.5 second? 1.5 second के बाद horizontal के साथ angle क्या होगा? तो देखो initial vertical velocity क्या है, 15, और 1.5 second के बाद ये initial horizontal में कोई change नहीं होने वाला, ये vertical में ही change होगा, क्योंकि vertical direction में ही force है इसलिए, बराबर। तो initial velocity क्या है, 15, और ऊपर जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट, तो ये वर्टिकल स्पीड कम होने वाली है, क्योंकि नीचे के तरफ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, तो कितने टाइम पे ज़ीरो होगी है,
1.5 सेकंड पे, बराबर 15 है ना। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा दो तो आपको वी वाई 1.5 सेकंड पे आपको वी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ज़ीरो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर 15 है वर्टिकल डायरेक्शन की, देखो ये फॉर्मूला वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है 15 और ए वाई होगा -10, नीचे के तरफ है टाइम है, तो ये हो गया ज़ीरो। मतलब वाई कॉम्पोनेंट ज़ीरो है, तो आपको थीटा चाहिए, थीटा होगा टेन इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट ज़ीरो और एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, जो भी है अभी, क्या मतलब इसका, एक्स कॉम्पोनेंट सेम रहने वाला है 15√3, बराबर। हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। देखो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनिशियल वर्टिकल स्पीड क्या है 15, तो 1.5 सेकंड पे वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सिंपल सी बात है, ओके। तो बॉडी है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट की है तो बॉडी कहाँ पे होगी, मैक्सिमम हाइट पे होगी, जहाँ पे वर्टिकल स्पीड ज़ीरो हो गई है। तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, बराबर। चलो नेक्स्ट। कार ऑफ मास 1200 kg, मास आपको दिया है 1200 kg। ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस है 80 मीटर। इफ मैक्सिमम स्पेस सेफ स्पीड ऑफ कार इज 72 km/h, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड है 72 km/h, मतलब 20 m/s। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू चाहिए, तो वी मैक्स का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर जी, बराबर। बस ये फॉर्मूला ही आपको रखना था यहाँ पे, म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर की वैल्यू क्या है। चलो एक काम करो, ये रूट निकालना है तो स्क्वायर ही कर दो। वी मैक्स है 20, 20 का स्क्वायर होगा 400, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू 80, जी की वैल्यू 10, तो ये 0 0 कैंसिल, 4/8 आएगा, 1/2, म्यू की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब 0.5, बराबर। चलो नेक्स्ट। फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन दिया है, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे है 532, डिस्प्लेसमेंट है 2 - 1, तो 5 × 2 = 10 और 3 × -1 - 3। और देखो यहाँ पे z वाला तो कुछ है नहीं, तो 0 रखो, बराबर 2 × 0 = 0 होगा, आंसर आएगा 7, बराबर। चलो नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास, आपको मास दिया है 5 यूनिट, वेलोसिटी दी है 3√2 यूनिट इन एक्स ओ वाई प्लेन along the line y equals to x plus 4, बराबर। एक लाइन के ऊपर ये पार्टिकल मूव हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ हमें सोचना है कि ये एक्सिस हो गई और कोई पार्टिकल है ना, वो ये कोई पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, बराबर। और ये पाथ का इक्वेशन हमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, मतलब ये हो गया x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको लाइन का इक्वेशन दिया है और हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है।
तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mv इंटू आर परपेंडिकुलर, बराबर। हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो ये लाइन से ये ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी लाइन से कोई पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1, सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b², बराबर। ये जो इक्वेशन है लाइन का वो ऐसा कुछ होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों को कंपेयर करो तो ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी -1, सी की वैल्यू मिलेगी हमें 4, बराबर। और ये x1 y1 मतलब क्या, जो पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, तो x1 y1 क्या होगा, 0 0। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा, देखो x1 y1 दोनों 0 0 है, सी की वैल्यू क्या मिलेगी 4, और अंडर रूट a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का भी 1, तो ये हो गया 2, तो 4/√2 मतलब 2√2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अभी एंगुलर मोमेंटम क्या आएगी, m की वैल्यू है 5, v की वैल्यू है 3√2, और r परपेंडिकुलर 2√2, बराबर। तो हमारा आंसर होगा 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, √2 × √2 = 2, 30 × 2 = 60। हमारा आंसर होना चाहिए 60 यूनिट, बराबर। चलो नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट प्लेनेट ऑफ मास m। At some instant, it splits into two equal masses. The first mass moves in circular orbit of radius r/2 and the other mass in circular orbit of radius 3r/2. The difference between final and initial total energies. तो final और initial total energy का difference हमें find करना है। तो यहाँ पे total energy का formula हम use करेंगे, -C M m r, बराबर। पहले इतनी एनर्जी है, फिर बाद में क्या हुआ, बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, तो एक पार्ट है उसकी एनर्जी क्या होगी, -C M, और ये m/2, और पहला पार्ट है उसका रेडियस है r/2, और दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, -C M m की जगह पे m/2 × 2, r की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3r/2, बराबर। तो अभी यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया -C M m/2r, और ये हो गया -C M m/6r, बराबर। ये फाइनल एनर्जी, तो फाइनल और इनिशियल दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें पूछा है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल। तो फाइनल और इनिशियल दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो ये दो टर्म्स तो दोनों में सेम है, वो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, -C M m/6r, बराबर। तो हमारा आंसर होगा -C M m/6r। फिर यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, मेटल रॉड दिया है जिसका लेंथ क्या है 2 मीटर, इस क्रॉस सेक्शन 2NA इज शोन इन फिगर, द 2Ns आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 °C 70, यहाँ पे टेम्परेचर है 100, यहाँ पे टेम्परेचर है 70, बराबर। टेम्परेचर ऑफ मिडल पॉइंट सी, तो मिडल पॉइंट सी पे टेम्परेचर क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर टी है, ओके। तो अभी ये दोनों पार्ट में हीट करंट तो क्या होगा, सेम, दोनों पार्ट पे हीट करंट मतलब H1 इक्वल्स टू क्या होगा, H2,
और हीट करंट का फॉर्मूला क्या, के वन ए वन डेल्टा टी वन अपॉन एल वन, सेम के टू ए टू डेल्टा टी टू बाय एल टू, बराबर। देखो यहाँ पे मटेरियल सेम है तो दोनों के लिए के की वैल्यू क्या होगी, सेम, ओके। और दोनों की लेंथ भी सेम है, कैंसिल हो गया। ए वन क्या है, 2A, और टेम्परेचर डिफरेंस इसके लिए 100 माइनस टी, 100 ज़्यादा होगा टी कम होगा, ओके। और यहाँ पे ए टू, ए टू क्या है, यहाँ पे दूसरे का एरिया है ए, और टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस सेवेंटी, ये ए ए कैंसिल कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस 2T इक्वल्स टू टी माइनस सेवेंटी, माइनस सेवेंटी ये साइड लाओ, 270 माइनस 2T ये साइड लाओ, 3T, तो आपको टी मिलेगा 270/3, मतलब 90, ओके। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। आरएमएस स्पीड दोनों की इक्वल कौन से टेम्परेचर पे होगी, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अंडर रूट 3RT बाय एम, एम मतलब मोलेक्युलर मास, बराबर। तो यहाँ पे 3R तो कांस्टेंट है, मतलब जो आरएमएस स्पीड है, आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय एम, ओके। और हमें कहा है, चलो हमें यही कहा है क्वेश्चन में कि दोनों की आरएमएस स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तो आरएमएस स्पीड को भी हम कांस्टेंट ले ले, दोनों के लिए इक्वल है, 3R भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे टी बाय एम क्या रहेगा, कांस्टेंट दोनों केस में, बराबर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए टी बाय एम क्या रहेगा, कांस्टेंट, अगर वी आरएमएस इक्वल हो दोनों के लिए तो, बराबर। तो टी वन अपॉन, चलो हाइड्रोजन के लिए टी एच अपॉन एम एच इक्वल्स टू ऑक्सीजन के लिए टी ओ अपॉन एम ओ। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर इज, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होता है, 2, ओके। और ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्या है, 47 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो आएगा 320, ओके, 320। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 32, तो ये हो गया कितना, 10, और 2 ये साइड लाओ, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर क्या होगा, 20 केल्विन, ओके। हमारा आंसर आएगा क्या, 20 केल्विन। चलो नेक्स्ट, कार्नट इंजन ऑपरेट्स विथ एफिशिएंसी 40% विथ इट सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। कार्नट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, 40% मतलब 0.4, ओके। और कार्नट इंजन का फॉर्मूला है 1 माइनस T2 बाय T1, T2 मतलब कोल्ड बॉडी, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, T1 मतलब हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर, और T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर, बराबर। यहाँ पे सिंक और सोर्स है, तो पहले केस में सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ओके। T2 क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और इसके ऊपर से T1 क्या होगा हम फाइंड कर लेते हैं, T2 बाई T1 फॉर्मूला है ना, 1 माइनस T2 बाई T1, T2 है 300, T1 हम फाइंड करते हैं, चलो ये माइनस वाला ये साइड ले जाओ, तो 300 बाई T1, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6, तो आपको T1 मिलेगा 300 बाई 0.6, 3000 बाई 6, 500 केल्विन, ये हो गया T1, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज, कितना सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए,
विथ एन एम टू ऑब्टेन एफिशियंसी ऑफ 50%। एफिशियंसी 50% करने के लिए सोर्स का कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए? चलो अभी सेम फॉर्मूला, 1 - T2 / T1 बराबर। एफिशियंसी 50% करनी है मतलब क्या, 0.5। 1 - T2 तो एज इट इज रखना है, और पूछा है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। पहले कितना था, 500। मान लो कि x इतना हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर ये x क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, वो हमारा आंसर होगा। ओके, माइनस वाला टर्म ये साइड, 300 / 500 प्लस x, और ये 0.5 ये साइड, तो 1 - 0.5 0.5 रहेगा। 0.5 मतलब 1/2। ओके, तो 2 को ये साइड लाओ, 600, और ये 500 प्लस x ये साइड, तो 500 प्लस x, तो आपको x मिलेगा 100 बराबर। x की वैल्यू मिलेगी हमें 100 केल्विन जितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। मेटल ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले कितना प्रेशर है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना प्रेशर पहले था। व्हेन सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेंबर, वैक्यूम चेंबर में उसको रख दिया मतलब प्रेशर हट गया, प्रेशर में कितना चेंज हुआ, तो 10^5। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला था ना, प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी बराबर, सेम यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी क्या होगा, P कितना है, 10^5, और B क्या दिया है ये लोगों ने, 1.25 × 10^11 बराबर। तो अभी 1 / 1.25 0.8 होगा, और 10^5 / 10^11 10^-6 होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए 8 × 10^7 8 × 10^-7 ओके। स्मॉल सोप बबल ऑफ रेडियस 4 cm इज ट्रैप्ड इनसाइड अनदर बबल ऑफ रेडियस 6 cm विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। देखो दो बबल है, एक छोटे वाला दूसरा बड़े वाला। ओके, बड़े में छोटा ट्रैप हो गया है, ये छोटे वाले की रेडियस है 4 और बड़े वाले की है 6 बराबर। लेट P2 बी द प्रेशर इनसाइड द इनर बबल, इनर बबल मतलब ये इसके अंदर प्रेशर क्या है, P2, एंड P0 द प्रेशर आउटसाइड द आउटर बबल, P0 इसके बाहर का जो प्रेशर है वो है P0 बराबर, और ये बीच वाला मान लो कि P1 है, हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। रेडियस ऑफ अनदर बबल विद प्रेशर P2 - P1, अगर ऐसा कोई बबल हो कि जिसके अंदर प्रेशर P2 बाहर P0, तो उसकी रेडियस क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है बराबर। तो अभी एक्स्ट्रा प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए, PI - PO = 4S/R अगर बबल है तो, और ड्रॉप है तो 2S/R बराबर। तो यहाँ पे इनर प्रेशर क्या है ये केस में, P2, आउटर क्या है, P0 = 1/R। एक तो ये हो गया, हमें ये R फाइंड करना है बराबर। अभी ये केस है, इसमें ये अंदर वाले बबल के लिए P2 - P1 क्या होगा, 1/4, इसकी रेडियस क्या है 4। ओके, और जो ये बाहर का बबल है उसके लिए अंदर का प्रेशर क्या है, P1, और बाहर का कितना है, P0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/R। R क्या है यहाँ पे, सॉरी 4S/R होगा, 4S/R 1/R नहीं, 4S/R 4S/R, R यहाँ पे बड़े बबल के लिए है 6।
दोनों को मैं ऐड करूँ ना तो ये P1 P1 कैंसिल हो जाएगा और P2 - P0 मिलेगा। दोनों को ऐड करे तो ओके, तो हमें 4s ब्रैकेट में मिलेगा 1/4 + 1/6। ओके, तो ये दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ, P2 - P0, P2 - P0, 4s/r, तो 4s × 1/4 + 1/6, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/r किसके बराबर होगा, 1/4 + 1/6 के बराबर। तो अभी r की वैल्यू क्या मिलेगी, r की वैल्यू में मिलेगी ऊपर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे दोनों का एडिशन, बराबर। ये सिंपलीफाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये हो गया 24, नीचे हो गया 10, 24 / 10 मतलब 2.4, हमारा आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके चलो नेक्स्ट। मेन मेजर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन स्टेशनरी लिफ्ट इज टी, बराबर। अगर स्टेशनरी लिफ्ट है मतलब जी की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी होगी, जी, बराबर। तब टाइम पीरियड भी क्या होगा, टी। इफ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सिलरेशन g/4, अभी देखो सेकेंड केस में जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, इफेक्टिव जी चेंज हो गया, ऊपर एक्सिलरेट हो रही है लिफ्ट। कितना होगा, g + a, a क्या है, g/4, बराबर। तो ये आएगा 5g/4, ये हो गया g2। तो ये केस में टाइम पीरियड क्या आएगा, अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, t प्रोपोर्शनल टू 1/√g, बराबर। तो इसके ऊपर से हमें मिलेगा T2/T1 = √G2/G1, बराबर। तो अभी T2 तो हमें फाइंड करना है, T1 है T√G2, तो 5G/4 और G1 आएगा क्या, G। ओके मतलब ये हो गया 5/4 और इसका रूट निकाले तो 5/2, तो हमें T2 मिलेगा √5। गलत हो गया, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो T2/T1 आपको मिलेगा G1/G2। ओके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो अभी ये T2/T1 की जगह पे G1 है G और G2 हमें मिला है 5G/4। जी जी कैंसिल करो, 4 गया ऊपर, उसका रूट होगा 2 और ये 5 रहेगा रूट के अंदर, तो आपको T2 मिलेगा 2T/√5। ओके नया टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2T/√5। ओके नेक्स्ट। डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन गिवन बाय दिस, तो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव की स्पीड ω/T, यहाँ पे ओमेगा क्या है 800 और ω/k, ओके सॉरी k की वैल्यू क्या है 2, तो स्पीड क्या होगी 400, बराबर। 400 हो गई स्पीड। ट्यूनिंग फॉक्स हैव फ्रीक्वेंसी 380 एंड 384 हर्ट्स रिस्पेक्टिवली, व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 4 बीट्स, दे प्रोड्यूस 4 बीट्स, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या है 4 हर्ट्स, बराबर। तो टाइम पीरियड क्या होगा बीट का, 1/4.25 सेकेंड। आफ्टर हियरिंग मैक्सिमम साउंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हियर मिनिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड के बाद मिनिमम साउंड कब आएगा, आधे टाइम पीरियड में,
बराबर। तो पूरा टाइम पीरियड क्या है, 0.25। तो अभी ये जो टाइम है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, वो इसका हाफ, बराबर 1.125, मतलब 1/8 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 1/8। देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दिया है, रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो ये राइट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूम रही होगी तो वो एक्सेलरेट होगी, उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होगा, बराबर। इसलिए ये जो रेफरेंस फ्रेम है वो एक्सेलरेटिंग है, इसलिए नॉन इनर्शियल होगी, इनर्शियल नहीं होगी, तो सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, देन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम वन कैन श्योरली से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम। टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जीरो हो और ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में हो, तो ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बात हुई है एक्सटर्नल फोर्स की, अगर इंटरनल फोर्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, बराबर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है। ओके, चलो बाय बाय।